साथियों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल फिश फार्मिंग छत्तीसगढ़ में आप सबों का स्वागत है। हम मछली पालन के संबंध में गतिविधियां लगातार आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। जो भी भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को समय समय पर मछली पालन से संबंधित सारी गतिविधियाँ आप लोगों तक पहुँचाने का काम करते रहेंगे। साथियों फरवरी महीना है और आज 23 तारीख हो गया है, आज 23 फरवरी है। हम लोग आए हुए हैं हमारे धान की खेती के साथ जो मछली पालन किए हैं वहाँ पर, और फीड दिए हैं। अभी जैसे ही ठंड कम हुआ, आज 1-1.5 सप्ताह से लगभग मछलियाँ बहुत अच्छी तरह से फीडिंग कर रही है। इस तालाब में IMC की मछली है और कॉमन कार्प की मछली छोड़ा गया है। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मछली चारों ओर फीडिंग कर रहा है। और जैसे ही ठंड कम हुआ तो मछली फीडिंग करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है मछलियां भी फीडिंग करना शुरू कर दिया है और बहुत ही अच्छी तरीके से फीडिंग कर रहा है। अभी 1-1.5 महीने तक हम 1 महीने तक लगभग हम इसको फीडिंग कराएंगे और उसके बाद में इस तालाब के मछली का हम हार्वेस्टिंग कर देंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि हम हार्वेस्टिंग में कितना किस साइज का मछली हुआ है। और जिस प्रकार से पानी में हलचल कर रही हैं मछलियाँ, उससे तो लगता है कि अच्छा ग्रोथ मछली का आ गया है और आ रहा है। ये कि आप लोगों को पहले भी बताए हैं हम कि एक प्रयोग के तौर पर इसको करने का प्रयास किया गया है और सफल होते हैं तो इस काम को और बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी जैसे जैसे गर्मी आ रहा है पानी का स्तर भी धीरे से कम होना शुरू हो जाएगा और जितना बड़ा भाग हम लोगों ने ये तालाब का जितना बड़ा भाग है उतने बड़े भाग में पानी जब हो जाएगा तब हम इसका हार्वेस्टिंग करना शुरू कर देंगे। इतना तो हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि धान की खेती के साथ जो मछली पालन हुआ है हमको धान की अपेक्षा मछली पालन से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे मछलियों की गतिविधियों को देखकर हमको ऐसा लग रहा है और ये हम अंतिम हार्वेस्टिंग जब पूरा कर लेंगे इसको तब हम आप लोगों को बताएंगे कि धान की खेती के साथ जो मछली पालन का काम हम लोगों के द्वारा किया गया है उसमें कितना प्रॉफिट हुआ। ये आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं आज की कितने बड़े एरिया में ये तालाब है, बाकी क्षेत्र में हम धान की खेती किए हुए थे। तो साथियों हमारे वीडियो में बने रहिएगा और ताकि आप लोगों तक भी मछली पालन से संबंधित जानकारी समय समय पर पहुंचता रहेगा। धन्यवाद। कमेंट बनाएंगे।